Three identical hollow spheres P, Q, and R are released from the top of three inclined planes of identical dimensions. The sphere P slides down without friction. The sphere Q rolls down without slipping. And the sphere R rolls down with slipping when they reach the bottom of the incline. The kinetic energy of P, Q, R are respectively 100, K1, K2, 10. Okay, so तीन हॉलो स्फीयर है, आइडेंटिकल है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ठीक है. स्फीयर पी जो स्लाइड डाउन करता है बिना फ्रिक्शन के, तो सीधा फिसल के जा रहा है, ठीक है, तो रोटेशन नहीं है. क्यू रोल डाउन करता है बिना स्लिपिंग के, तो रोल डाउन कर रहा है, ठीक है. और आर रोल्स डाउन विथ स्लिपिंग. तो इसमें एनर्जी के बारे में हम क्या बता सकते हैं, एनर्जी के बारे में बता सकते हैं कि पहले में तो फ्रिक्शन है नहीं, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शन है ही नहीं काम करने को. और दूसरे केस में प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग के केस में भी फ्रिक्शन काम नहीं करता, तो वहां पे भी एनर्जी लॉस नहीं होता. इसका मतलब क्यू और पी की एनर्जी इक्वल होगी, लेकिन आर के केस में स्लिपिंग हो रही है, और जब स्लिपिंग होती है तब फ्रिक्शन काम करता है और उसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है. तो आर की एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, और आर की एनर्जी का मतलब है K2, तो K2 कम होगा K1 से, K2 कम होगा K1 से, हाँ, तो ये ठीक है, K2 कम होगा K1 से, तो ये हमें पता है कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा. K2 K1 से कम है ये हम जानते हैं, और इसके अलावा रोलिंग के केस में फ्रिक्शन काम नहीं करता, तो वो भी चीज यहाँ पे है हमारे पास कि फ्रिक्शन का कोई वहां पे वर्क नहीं हो रहा है. हाँ बस, लेकिन एक बात गड़बड़ है यहाँ पे कि स्लिपिंग के केस में फ्रिक्शन एक्चुअली दो टाइप से लग सकता है. फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है, क्योंकि स्लिपिंग दो टाइप की हो सकती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड. तो एक टाइप में ये सपोर्ट करेगा, एक टाइप में अपोज करेगा, तो ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज भी कर सकता है, तो वो भी पॉसिबल है. तो बी एक ही केस में पॉसिबल होगा, हमेशा पॉसिबल जरूरी नहीं है. तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि K2 K1 सेम नहीं होगा, K2 K1 सेम नहीं होगा, तो ये क्लियरली नहीं बोला जा सकता. K2 100 जूल से कम होगा हमेशा, ये नहीं बोला जा सकता. K1 100 जूल से कम होगा, नहीं, K1 तो 100 जूल ही होगा, क्योंकि K1 की एनर्जी और बिना फ्रिक्शन की एनर्जी एक ही है, क्योंकि दोनों में ही एक्चुअली फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा. तो सबसे ज्यादा एक्यूरेटली हम ऑप्शन ए ही बोल सकते हैं यहाँ पे, बाकी ऑप्शन इक्वल नहीं होंगे इतना बोल सकते हैं, लेकिन कम ज्यादा कौन होगा ये डिपेंड करता है कि स्लाइडिंग कौन से टाइप की है, स्लिपिंग फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, उससे डिसाइड होगा कि आंसर कौन सा है.